ये स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर वन डिफाइन द टर्म वैलेंसी फाइंड द वैलेंसी ऑफ बेरियम दैट इज टॉपिक नंबर फोर वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द टर्म वैलेंसी तो लुक एट द आंसर दिस इज द डेफिनेशन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ The atom of an element is called valency. Valency क्या है कि एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की जो capacity है जो उसकी power है जो उसकी गुंजाइश है उसको हम कहते हैं valency. ठीक है जी ये तो होगी definition. आपने क्या करना है इस definition को थोड़ा सा prominent करना है तो इसलिए हम इसको prominent कर देंगे italic. देन उसके बाद आप सेकेंड इसकी डेफिनेशन वो देखें कि क्या मज़ीद जो है ना हमने कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है इसको द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज होल नंबर किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो एक मुकम्मल तौर पे नंबर होता है एक अदद होता है फॉर एग्जांपल बेरिलियम दैट इज द एटॉमिक नंबर फोर has atomic number 2 and mass number 4 इसकी mass number 4 है और इसका atomic number 2 है it has electronic configuration 2, 2 therefore the valency of beryllium is 2 तो डियर स्टूडेंट ये जो है ना हमने इसको डिफाइन किया है यहाँ पर वैलेंसी को डिफाइन करने के बाद ये बताया है कि वैलेंसी जो होती है एक एलिमेंट की वो एक होल नंबर होती है और उसके बाद ब्रिलियम जो है जिसका यहाँ पे अगर हम देखें टॉप राइट पे ये जो आपको फोर नज़र आ रहा है ये इसका एटॉमिक मास है और इसका एटॉमिक नंबर 2 है जो कि हम यहाँ पे नए फैशन के मुताबिक लिख सकते हैं यहाँ पर बॉटम पे ये 2 ठीक है और इसको जो है ना यहाँ से हम क्या करेंगे इसको जो है हम यहाँ पे स्मॉल रिड्यूस कर देंगे ताकि जो है ना ये ऐसे करके मुकम्मल इसकी जो है ना इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाए अब नए फैशन के मुताबिक एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है यहाँ पर लेफ्ट साइड पर लेकिन बॉटम पर और जो एटॉमिक मास है वो टॉप पे और राइट की तरफ लिखा जाता है ठीक है तो इसमें आप देखें कि इसके जो है ना मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2 तो इट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना कितनी है 2, 2 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 2 बनेगी यानी कि एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर आ जाएंगे मुकम्मल तौर पे जो है ना -2 और देन उसके बाद जो है ना 2s2 तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विदाउट द नेम ऑफ सब शेल हम सिर्फ इस बेटा इसको इस तरह यहाँ पे जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बता देंगे क्यों ऐसा है इसलिए कि जो ये आप एटॉमिक मास देख रहे हैं ना ये बराबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस ब्रिलियम के एक एटम में कितने होंगे 4 होंगे तो इसीलिए ये टोटल जो है ना हमने यहाँ पर मैंशन कर दिया 2, 2 ठीक है देयर फोर द वैलेंसी ऑफ ब्रिलियम इज 2 और इसके जनाब जो है ना वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो हम इसको दूसरे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं वो तरीका क्या है कि वैलेंसी को आप जो है ना और डेफिनेशन से देखें डेफिनेशन क्या होगी कि टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल इज कॉल्ड वैलेंसी कोई भी एलिमेंट हो उसका एक एटम में और उस एक एटम के सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं
अनशेयर्ड, उनको हम कहते हैं कि ये उसकी वैलेंसी बनाते हैं। तो इसीलिए जनाब, जो बेरिलियम का एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैलेंसी तश्कील दे रहे हैं। अब हम आ जाए क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या बता रहा है और हमने करना क्या है इसमें, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि विद दी हेल्प ऑफ टू एन टू फार्मूला, एक फार्मूला है टू एन टू या टू एन स्क्वेयर, इसकी मदद से हमने जो क्या करना है कि दो हमारे पास एलिमेंट है बेटा, बोरॉन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। इनकी जो है ना आपने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के और एल शेल में इनके रिस्पेक्टिवली। तो इसको जो है ना हमने यहाँ पे इस तरह कैलकुलेट किया हुआ है। ये देखिए बोरॉन, बोरॉन 5 में और नाइट्रोजन में। तो आप ये देखें कि एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2.3 है, यानी कि के शेल में दो इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे 5, जैसे कि आपने यहाँ देखा था बेरिलियम में, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केश एंड एल शेल ऑफ बोरॉन आर 2 एंड 3, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, बहुत आसान है, तो इसमें कोई परेशान होने की इतनी बात नहीं है कि आप कंफ्यूज हों। अब दूसरा एलिमेंट हमारे सामने है, ये कौन है, ये है जनाब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आप देखें कि इसकी भी जो है ना यहाँ पे नंबर दिया हुआ 7, द एटॉमिक नंबर जो है ना नाइट्रोजन का कितना है, 7 है। ये 7 एटॉमिक नंबर जो आप देख रहे हैं, इसकी बुनियाद पे हम इसमें जो मौजूद हैं के और एल शेल में इलेक्ट्रॉन उसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने बोरॉन के किए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2.5, 2.5 क्या बता रहा है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और रिमेनिंग जो है ना वो चले जाएंगे एल शेल में 5। तो इसीलिए बहुत आसान है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के और एल शेल में आप जब देखते हैं कैलकुलेट करते हैं 2 एंड 5 नज़र आते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक बात याद रखें कि यहाँ पे आपको बाकायदा क्या करना है कि स्ट्रक्चर नहीं बनानी है आपने इसकी, शेल ऑफ दी एटम, ठीक है, जस्ट इसको डिस्क्राइब करना है। तो रफ डायग्राम बना सकते हैं आप रजिस्टर पे या बुक पे देख सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो फिर बआसानी इसका जवाब आप लिख सकते हैं, ठीक है। नो डायग्राम इज रिक्वायर्ड हेयर बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, मेक द केमिकल फार्मूला फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एनायन एंड कैटायन। एक लिस्ट हमें दी गई है, उससे हमने केमिकल फार्मूला लिखना है कैटायन और एनायन की लिस्ट से। तो ये लिस्ट कैसी है ज़रा देखते हैं इसको जी। ये लिस्ट हमारे पास आ गई, ये देखें कैटायन और ये है एनायन। तो इसमें आप देखें कि कैटायन और एनायन किस तरह दिए गए हैं, ओके। इसकी ये देखिए मैग्नीशियम, और इसके बिल्कुल सामने कौन है, क्लोराइड आयन, और ये मैग्नीशियम आयन है। मैग्नीशियम में आप देखें +2 वैलेंसी और इसकी जनाब -1। इन दोनों को आप जब मिलाएंगे तो जो केमिकल फार्मूला तश्कील पाएगा वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड से कहेंगे, क्योंकि क्लोरीन कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कम होता है, तो वो दूसरे साथ वाले सोडियम या मैग्नीशियम से ले सकता है। तो -1 है और मैग्नीशियम पे +2 है, तो इसलिए इसकी जो होगी वो क्या हो जाएगी कि ये करेक्शन मैं कर देता हूँ, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ये देखिए ये हमने इसका करेक्ट फार्मूला इस तरह सेट कर लिया।
अच्छा जी, अब आपके पास दूसरा जो है ना, आप देखिए लिस्ट में दूसरी रो में, तो यहाँ पर कैट आयन में आपको क्या नज़र आ रहा है? सोडियम आयन नज़र आ रहा है, जिससे +1 चार्ज है। और एन आयन की लिस्ट में आप देखें सेकेंड नंबर पे तो क्लोराइड आयन फिर मौजूद है, और इसमें -1 चार्ज है। तो इन दोनों को आप जो है ना केमिकल फार्मूले के मुताबिक जब आपस में इकट्ठा करके लिखेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड पे -1 चार्ज है, मैंगनी सोडियम पे +1 है, तो ये एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे चार्ज को, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का केमिकल कंपाउंड जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं बच्चों, उसका फार्मूला जो है ना वो हम यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, तश्कील दे देंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास इसमें कैटाइन में देखें थर्ड नंबर पे कौन है, आयरन फेरस, तो इसकी आप देखें कि +3 आपको नज़र आ रही है ये इसकी वैलेंसी, और इसके बिल्कुल जो है ना मद्दे मुकाबिल कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आयन है ऑक्साइड, यानी इस पे आपको नज़र आ रहा है -2 और यह है +3। तो इसको जो है ना जो हमें केमिकल फार्मूला लिखने के स्टेप हमने पढ़े हैं उसके मुताबिक हम अगर इसकी रफ अरेंजमेंट करें और फिर फाइनली लिस्ट में हम देखते हैं तो ये हमें फेरस ऑक्साइड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि ऑक्सीजन का जो है ना 2 वो आयरन की यहाँ चला जाएगा, बॉटम पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये आयरन के राइट साइड पे, जबकि आयरन के ऊपर जो था +3, ठीक है ना, वो 3 जो है वो ऑक्सीजन की बॉटम पे और राइट साइड पे इस तरह लिखा जाएगा। तो ये बआसानी इसका फार्मूला तश्कील पा जाएगा, बन जाएगा। अब आपके पास चौथे नंबर पे हाइड्रोजन आयन है और यहाँ पे ऑक्सीजन आयन है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन पे -2 है, हाइड्रोजन पे +1 है। तो जब आप इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं, दोनों आयन को, कैट आयन को, एन आयन को, तो फार्मूला बनाने के लिए तो आपके पास ये आ जाता है H2O, दिस इज द फार्मूला फॉर वाटर, ये पानी के लिए फार्मूला है, इसको ऐसे लिखा जाता है। और आप लास्ट में आप देखें ये पांचवें नंबर पर एल्यूमिनियम आयन है जिसकी वैलेंसी +3 है, और ये अगेन ऑक्सीजन आयन मौजूद हैविंग -2 वैलेंसी। तो जब आप इन दोनों को साथ साथ लिखेंगे AlO को, तो इनके जो रिस्पेक्टिव अपने अपने जो चार्ज हैं वो तो हम यानी में फार्मूले में लिखते, लेकिन उनके नंबर ज़रूर लिखते हैं। तो आप देखें ऑक्सीजन पे 2 है तो वो Al के साथ आ जाएगा नीचे क्रॉस होके, और जो Al पे है एल्यूमिनियम पे 3 है वो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, ये था कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिस्ट ऑफ कैट आयन और एन आयन इनकी मदद से हमने क्या बनाए, केमिकल फार्मूला लिखे यानी कॉलम नंबर 3 में। तो ये 5 हमारे पास कंपाउंड के केमिकल फार्मूला आ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानेब। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो क्या कहा जा रहा है इसमें? इसमें ये कहा गया है कि एक्सप्लेन करना है हाउ नंबर ऑफ द प्रोटॉन डिटरमिन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट जो होता है, एक अंसर जो है, उसकी जो पहचान है, ठीक है, वो प्रोटॉन की तादाद क्यों करती है, यानी क्यों प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इस्तेमाल किए जाते हैं, या कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक एलिमेंट की जो है ना एटॉमिक नंबर को डिटरमिन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये यानी इस क्वेश्चन का मतलब है, मफहूम है इस तरह। तो इसके जो है ना जवाब को मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, वो आप देख लें। जी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज रिमेन सेम एंड कैन नॉट बी चेंज
एडिड आर रिमूव, ये देखो ये तो जनाब जो है ना यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों यूज़ किए जाते हैं, कैसे इनका अमल दखल है जो किसी भी एलिमेंट की पहचान बनाने में, उसकी आइडेंटिटी में, जो पोशीदा होती है किसमें, एटॉमिक नंबर पे जी। तो ये देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक न्यूक्लियस के एटम में, जो एलिमेंट का एटम है, कोई भी एलिमेंट हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, जो भी हो, उसका एक एटम लें, वो एक एटम को देखें और उस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो होते ही न्यूक्लियस के जो है ना, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं एटम के, तो इसमें ये जो प्रोटॉन की तादाद है रिमेन ऑलवेज ऑलवेज रिमेन सेम, ये सेम रहती है और कैन नॉट बी चेंज, तो ये चेंज नहीं होती, ठीक है। एडिड ना इसमें इजाफा हो सकता है कि मज़ीद बढ़ा दिया जाए, या इसमें से जो है ना कमी हो सकती है कि इसमें से कम कर दिए जाए न्यूक्लियस में से प्रोटॉन, तो इसीलिए इनको जो है ना इस्तेमाल किया जाता है कि एक एलिमेंट के एटम में मौजूद जो न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन है उनको एटॉमिक नंबर के तौर पे, हेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज यूज्ड टू डिटरमिन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। उसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज यूज्ड या एडेड टू डिटरमिन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इसको यहाँ से एडेड की बजाय आप अगर यूं कर लें यूज्ड, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे जी। क्वेश्चन नंबर 5 में ये था कि एक केमिकल कंपाउंड हमारे सामने है सल्फ्यूरिक एसिड जी। सल्फ्यूरिक एसिड में आपने मौजूद एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, कितने एलिमेंट मौजूद हैं, उसके बाद इसमें जो है ना एटम कितने मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल में सल्फ्यूरिक एसिड के, और उसके बाद इसमें ऑक्सीजन की जनाब जो है ना कितने एटम मौजूद हैं, तो ये बेटा हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है जी। तो पहला पार्ट आप देखें, हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं वो जो इसमें मौजूद हैं, तो इसमें जनाब मौजूद है वो मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ यहाँ ब्रैकेट में कि यहाँ पर मौजूद है, फॉर एग्जांपल सिंबल में लिखेंगे हाइड्रोजन, देन उसके बाद आप देखें कि हाइड्रोजन आ गई तो फिर सल्फर और उसके बाद एंड ऑक्सीजन ये मौजूद है, ठीक है। देन आप उसके बाद इसमें आ जाएं कि सेकंड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो आप फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, सल्फर का कितना है 1, और ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो इसको आप करें तो टोटल आपको पता लगेगा 7 एटम मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल में सल्फ्यूरिक एसिड के, तो उसको भी मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, ये देखें कितने मौजूद हैं 7 एटम मौजूद हैं ये, ठीक है जी। बहुत आसान है, फार्मूले से नज़र आ रहा होता है कि कितने एटम ओवरऑल मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल में, और उसके बाद थर्ड पार्ट पे आप आ जाएंगे कि ऑक्सीजन के कितने हैं, तो ऑक्सीजन के तो 4 मौजूद हैं, ये देखिए 4 जो है ना एटम मौजूद हैं, यही मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, देर आर 4 ऑक्सीजन एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो बहुत आसान था ये तो इसको कैलकुलेट करना। देन आप क्वेश्चन लास्ट हमारा रह गया 6, और वो है जी हाउ कैन एटॉमिक नंबर बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मुमताज़ करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, एक पहचान के तौर पे नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये जनाब इसकी डिस्कशन आंसर की सूरत में, द नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्रेजेंट इन ईच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एक एटम है उसके न्यूक्लियस में मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम रहते हैं, ठीक है, और कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं होते. जबकि ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी चेंज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के तो चेंज हो सकते हैं. अगर एक एटम किसी भी एलिमेंट का है उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो वो तो माइनस हो जाएंगे. एक निकलता है इलेक्ट्रॉन, दो निकलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट कंडीशन, ठीक है जी. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे, या उसमें किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन आ जाएं, यानी कि एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और नेगेटिव चार्ज आ जाए, तब भी तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि इसको जो है ना एटॉमिक नंबर के तौर पे यूज़ किया जाए. इलेक्ट्रॉन की टोटल नंबर को एटम में मौजूद वो चेंज हो सकते हैं, कमी और उसमें बेशी दोनों हो सकती है, ठीक है. एज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, देयर फॉर इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर. क्योंकि एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, तो इसीलिए इनको जो है ना क्या किया जाता है, एटॉमिक नंबर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से क्या कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें, इसको हम पहचान सकें, जुदा कर सकें. तो डियर स्टूडेंट, ये थे जनाब जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन इस यूनिट के 4 के जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए. तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर इसमें से फ़ायदा हासिल हुआ होगा. तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह. मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.